कुर्सी के पार्टी में है ऐसे मैंने कभी देखा नहीं। पवार सर, पवार सर, पवार सर, दौरान आपने कहा कि मुझे डॉक्यूमेंट मिल गए और अब मुझे कन्फर्म है कि वो नाखून में थे। इस सारे संबंध में क्या उद्धव ठाकरे साहब से आपकी बातचीत हो रही है? खुद मुख्यमंत्री है, एलिगेशन उन्हीं पे लग रहा है, महाराष्ट्र सरकार चल रही, क्या उनसे कोई बातचीत होगा? मैंने कल उनसे बातचीत, मैंने आपको कहा था कि मैंने उनसे बात की थी और उनको अभी जो इन्फॉर्मेशन मिली वो भी उनके पास हम भेजेंगे और उनके सामने सच्चाई आई भी हो सकती है, इससे पहले वो मुझे मालूम है। इस्तीफा नहीं देंगे, ये तय है। सवाल है कि जो एलिगेशन किया है ये एलिगेशन में सच्चाई नहीं, एलिगेशन का जो समय है वो समय में वो नहीं थे मुंबई में, वो नागपुर में हॉस्पिटल थे। ये बात साफ होने के बाद फिर इससे और कोई एक्सपेक्ट करना ठीक नहीं। आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं होने की जरूरत है सर, कोई इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत नहीं है आपको लगता है? सर, एक ये जैसे आप कह रहे हैं कि देशमुख साहब हॉस्पिटल में थे कोविड बताओ में, तो क्या एनसीपी अनिल देशमुख को क्लीन चिट दे रही है? दूसरा सवाल ये कि अगर जांच चल रही है और गृहमंत्री वो बने रहेंगे तो जांच भी तो प्रभावित हो सकती है सर? ये जो बात जांच है, अभी जांच की बात इन बारे में तय करना है सीएम साहब को। मैंने कल भी कहा था कि जांच एक्चुअली शुरू में कल जो आपने या कल सीरियस कुछ एलिगेशन करने के बाद मैंने खुद सुझाव दिया था रिजर्व जैसे आदमी ने इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, मगर ये बात जब साफ हो गई सामने कि जो समय उस समय वो नहीं थे, ये बात साफ होने के बाद फिर जांच करना या न करना हमारी अभी जिम्मा नहीं है, मगर जीवन वो सीएम साहब को सकती है तो उनका अधिकार है। गृहमंत्री पदावरती असताना अनिल देशमुख यांची चौकशी कशी करताय? अनिल देशमुख यांचा राजीनामा घ्यायला हवा म्हणजे पॉईंट, आता चौकशीचा इश्यू कुठे आला? की जे अलिगेशन होतं तेच खरं नाही हे सिद्ध दिसत आहे आता। सीरियस एलिगेशन भी आपने लगाया है की एटीएस की प्रोब राइट डायरेक्शन में जा रही थी और शायद कहीं और नाम सामने आते, इसीलिए जो है डाइवर्ट किया गया। अभी अगर उस पर पहला केस देखा जाए जब एक्सप्लोसिव मिले थे उस केस में भी अब तक कुछ नहीं हुआ है, तो सर क्या आपको लगता है कि जस्ट टू डाइवर्ट दी अटेंशन ये किया गया है, चाहे जेलेटिन स्टिक्स वाला हो अंबानी के घर के बाहर और चाहे मनसुख हिरेन की मौत का मामला हो? सर मालूम नहीं, इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में मेरा एटीएस पर भरोसा है, एटीएस जो कोई सच्चाई है वो सामने निकलेगी। ऐसे समय मेरे जैसे लोगों ने कुछ कॉमेंट करना ये ठीक नहीं कि जिसका गलत असर इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस पर होगा, और इसलिए इस बारे में